हम बात कर रहे हैं IRCTC की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में फ़िलहाल हमको छोटी मोटी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हम देख सकते हैं इस गिरावट के साथ फ़िलहाल स्टॉक जो है 929.90 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। लगातार गिरावट में स्टॉक हम देख सकते हैं, इसमें लगातार हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रही है, गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 1060 के लेवल से रिजेक्शन लिया, गिरावट, छोटा मोटा जंप, अगेन गिरावट टू लो ब्रेकडाउन, और हम देख सकते हैं इसी तरह का चार्ट पैटर्न स्टॉक दिखाता नज़र आ रहा है। तो 920 जो कि इसका मेजर सपोर्ट था, उसी सपोर्ट से स्टॉक में रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक इस सपोर्ट पर अब काम करता नज़र आ रहा है, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा IRCTC के लिए। 920 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 900 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकते हैं, 900 तक की भी गिरावट दिखा सकता है। तो अब अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक होता है तो हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना है ट्रेंड के कन्फर्मेशन के लिए, क्योंकि रिजेक्शन के बाद अब तक हमने चार्ट पैटर्न क्या देखा है, लो और लो देखा है। तो यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है तो देख सकते हैं 940 पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो 960 तक का जंप दिखा सकता है। देख सकते हैं 960 का लेवल जहां स्टॉक ने सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट के गिरावट के साथ गैप डाउन फिर ओपनिंग देखने के लिए मिली थी। तो जब तक IRCTC बाउंस बैक करके 960 के लेवल को ब्रेकआउट करके एटलीस्ट क्लोजिंग नहीं दे जाता, तब तक हमको यहाँ ट्रेंड के कन्फर्मेशन नहीं मिलता। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे गया तो फिर IRCTC में आप ट्रेंड रहेगा, फिर यहाँ से लगातार IRCTC अपसाइड दिखा सकता है। तो अब हमको अगर पोजीशंस बनाते भी हो तो 960 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इस लेवल के ब्रेकआउट का मतलब है फिर बड़ी तेज़ी, फिर वैसे कंडीशन में 980 और 1000 तक का भी जंप फिर स्टॉक दिखा सकता है और 1000 के लेवल का ब्रेकआउट भी करता नज़र आ सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।